हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया साइबर किचन, यानी कि आपका अपना किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मलाईदार मटका कुल्फ़ी। जी हाँ, मलाईदार मटका कुल्फ़ी जो अक्सर आप मार्केट से लेकर खाते हैं, जो कि हमें बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इसे क्यों ना बनाया जाए घर पे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लिया है मैंने। ये देखिए, ये मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध, और दूध जो है वो फुल क्रीम लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और साथ ही इसमें डालने के लिए ये मैंने लिया है 1 कप चीनी, और ये मैंने लिया है कंडेंस्ड मिल्क जो कि घर पे ही बना हुआ है। इसका भी आप चाहेंगे मैं इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क ना हो तो आप ये मिल्क पाउडर ले सकते हैं, जो कि ईजिली मार्केट में अवेलेबल रहता है, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं आप। और साथ ही साथ इसमें जाएगा ड्राई फ्रूट, और अगर आप चाहें तो आप इसमें केसर भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें दूध को रखना है बॉईल करने के लिए। और आप ख़ास ध्यान रखिएगा कि मैं अक्सर बोला करती हूँ, जब भी हम कोई चीज़ दूध की बनाते हैं तो जिस भी पतीले या कंटेनर में बनाते हैं उसका तला जो है वो भारी होना चाहिए, ताकि हमारी जो भी स्वीट डिश या जो भी हम कुछ बना रहे हैं, हमारी मिठाई, आइसक्रीम्स, वो जो है तले से ना लगे, जिससे कि उसका स्वाद बिगड़ जाए। तो रखते हैं दूध को बॉईल करने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध में उबाल जो है वो हमारा आना हो गया है स्टार्ट। तो अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे स्लो, और इसे हमें धीरे गैस पर ही पकाना है। और साथ ही साथ यहाँ मैंने ले लिया है थोड़ा सा केसर, इसे भी हम साथ ही में ऐड कर देंगे। और साथ में जो हमने यहाँ लिया था मिल्क पाउडर, थोड़ा सा हम वो भी डाल देंगे, और मैं बाद में इसमें ऐड करूँगी कंडेंस्ड मिल्क। अभी हमें जो है इसे स्लो गैस पर ही अच्छे से पकने देना है, खूब अच्छा जब इसमें उबाल आना लगे। और हमें इसे बहुत बीच बीच में चलाते रहना है, ताकि हमारी जो ये बढ़िया सी जो हम बनाने वाले हैं, हमारी मटका कुल्फ़ी, ये इसके तले से लग कर इसका स्वाद ना कर दे खराब। तो हमें जो है इसे बीच बीच में चलाते रहना है, और इसे हमें पकाना है जब तक ये अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए। तो जब तक कुल्फ़ी हो रही है हमारी तैयार, ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे इसमें, इसे हम कर लेंगे अच्छे से चॉप बारीक बारीक। फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट आप जो भी इसमें ऐड करना चाहें वो डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स जो है हमारी कुल्फ़ी में बहुत बढ़िया लगते हैं। तो ये अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग जितने मर्जी चाहें डालिए, ये इसमें बढ़िया ही लगने वाले हैं। तो इसे हम कर लेते हैं चॉप। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुल्फ़ी जो है वो बढ़िया गाढ़ी हो चली है। ये देखिए, केसर ने अपना कलर दे दिया है, और कितना बढ़िया से इसमें आ गया इसका कलर। और ये देखिए हमारी कितनी इसके आसपास भी कड़छी के सब मलाई लग गई है। तो हमारी बढ़िया मलाईदार कुल्फ़ी बस बनने ही वाली है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, ये देखिए मैंने लिया इलायची पाउडर, ये घर पर ही बनाया मैंने। इलायची को बस अच्छे से पीस लीजिए, तो हमारा इलायची पाउडर बन कर के हो जाएगा तैयार। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 कड़छी भर कंडेंस्ड मिल्क, और अगर कंडेंस्ड मिल्क ना हो आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ना डालें, और तब भी हमारी जो है कुल्फ़ी बढ़िया ही बनेगी। और कंडेंस्ड मिल्क डालने से जो है ये थोड़ी सी और इसमें जो इसका टेक्सचर जो है वो बढ़िया आ जाएगा। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने चॉप किए हैं। तो ये देखिए, ये हम डाल देंगे इसमें ड्राई फ्रूट, और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी जो है फ्रेंड्स, हमने कंडेंस्ड मिल्क डाला, हमने पाउडर्ड मिल्क डाला, उसमें भी रहती है। तो चीनी जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख कर ही डालिएगा। तो ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है हमारी। तो इसे हम डाल के अभी थोड़ी देर और चलाएंगे, और फिर हमारी जो है कुल्फ़ी बढ़िया सी बन के हो जाएगी तैयार। फिर हम इसे जमाएंगे, और जमा के रखने का क्या तरीका है ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी। तो ये देखिए, बढ़िया से हमारी कुल्फ़ी बन गई है, और अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ, और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। फिर हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे अपने मटकाज में और पॉपसिकल्स में, ताकि हम स्टिक वाली भी बना सकें और मटका में भी। तो इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
कुल्फ़ी जो है हमारी हो गई है ठंडी। इसका आप टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है इसका टेक्सचर, और कलर भी देखिए कितना अच्छा है। तो अब हमें करना क्या है, ये मेरे पास इस तरीके के कुछ कंटेनर्स हैं मटका, जिसमें मैं बनाऊंगी इन्हें। अगर आपके पास ये ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे किसी भी कांच के ग्लास में, या आप इसे जो कागज़ का ग्लास रहता है जो मार्केट में डिस्पोजेबल वाला मिलता है कागज़ वाला, आप वो भी ले सकते हैं, आप उसमें भी जमा सकते हैं, उसमें से भी इजीली निकल आएगी। तो हम इसे इसमें इस तरीके से जमाएंगे। और करना क्या है, हमें इसे खुले में नहीं रखना है, हम इसके ऊपर या तो क्लिंच फिल्म, या मैंने ये सिल्वर फॉइल पेपर लिया है, इसको हम इस तरीके से कवर कर देंगे और एक रबर बैंड लगा देंगे। इस तरीके से हम सारे इसमें अपने मटकास में फिल कर लेंगे। और थोड़े से मैंने ये पॉप्सिकल्स भी बना रही हूँ मैं, ये मेरे पास इस तरीके का कंटेनर है तो मैं इसमें भी थोड़े से जमा करके रखूँगी। तो ये देखिए सब फिल कर लिए हैं मैंने अपने पॉप्सिकल भी। अब इसको हम कर देंगे इससे कवर, और हम रखेंगे इसे 8 घंटे के लिए कम से कम। जबकि ये बहुत अच्छे से जम करके हो जाएंगे रेडी, तो हम इसे करेंगे फ्रीज। और इसी तरीके हम ये अपने बाकी के भी जो हमने डाले हैं इन्हें भी हम रबर बैंड लगा देंगे। फ्रेंड्स, ये हम इसको कवर इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें जो आइस की लेयर है, जो अक्सर हम अगर खुले में रख दें तो जम जाती है, वो ना जमे। और इससे कवर करके अगर हम रखेंगे, वो ना जमने से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो ये हो गई हमारी कुल्फ़ी तैयार। अब हम इसे रख देते हैं 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में। तो अब हम मिलेंगे आपसे 8 घंटे के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, 8 से 10 घंटे हो चुके हैं हमारी कुल्फ़ी को जमाए हुए, और मैंने इन्हें निकाल लिया फ्रीज़र से। ये देखिए बिल्कुल बाहर से आइस कोल्ड हुआ हुआ है ये। तो अब हम खोल के देख लेते हैं इन्हें। वाओ, देखिए कितनी बढ़िया से जम गई है हमारी कुल्फ़ी, और लग रही है ना बिल्कुल मार्केट वाली। तो हम सारे खोल के देख लेते हैं। और इसी तरीके से हमारे ये पॉप्सिकल्स भी हो गए हैं रेडी। तो पॉप्सिकल्स को निकालने का एक तरीका रहता है कि हमें करना क्या है, एक कंटेनर में हमें किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लेंगे और इसे डिप कर देंगे इसमें, और थोड़ा सा इसे रब करेंगे हम ताकि ये इजीली निकल आए। तो इस तरीके से इसे रब कर लेंगे हम, और इसे आहिस्ता से ये देखिए कितनी बढ़िया से निकल गई है हमारी कुल्फ़ी। तो इसे रख लेते हैं प्लेट में, और इसी तरीके से हम अपनी बाकी की भी सारी पॉप्सिकल्स निकाल लेंगे। वैसे तो हमने अपनी कुल्फ़ी में ढेर सारा ड्राई फ्रूट डाला था, लेकिन थोड़ा सा हम ऊपर से और भी स्प्रिंकल कर लेंगे। ड्राई फ्रूट तो कुल्फ़ी में ज़्यादा बहुत बढ़िया लगता है। और इसी तरीके से हम अपनी ये बाकी की कुल्फ़ी मटका वाली जो है वो भी निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, और फ्रेंड्स यकीन मानिए ये जितनी बढ़िया देखने में लग रही है, खाने में भी ये उतनी टेस्टी है। तो बताइए कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, विदाउट एनी आर्टिफिशियल एसेंस, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के, हमने घर की नेचुरल चीज़ों से बनाई है कुल्फ़ी मलाईदार। तो फ्रेंड्स इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, खाएं और बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल। तो नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।